हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एलटी मोटर्स की प्रोटेक्शन डिवाइसेस। मतलब जो हमारा एक फीडर होता है उसमें हमारी बहुत सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी होती हैं और वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हम अपनी मोटर को बचा सकें, क्योंकि मोटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उन डिवाइसेस की कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होती है। इसलिए अलग अलग फॉल्ट्स के अगेंस्ट में अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन सारी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे जो फीडर के अंदर लगी होती है। कहने का मतलब है कि जो मोटर में हमारे फॉल्ट्स आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिवाइस कैसे प्रोटेक्ट करती है। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, देखिए मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करती हैं, कंट्रोल करती हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, स्पीड, टॉर्क। और ये इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हम अपने मोटर को बचा सकें या कोई भी इक्विपमेंट आगे लगाया है, पंप लगाया है, कुछ भी लगाया है, उसको हम बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस। देखिए जो पर्पस होता है हमारा प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाने का वो होता है कि टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ इक्विपमेंट। मतलब कि जो हमारा मोटर लगी है उसके मोटर के जलने के रिस्क को अगर हम कम कर सकते हैं तो वो इसका मेन पर्पस होता है। उसके लिए हम लगाते हैं ये सारे डिवाइसेस जिसकी वजह से हमारा मोटर बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इन एलटी मोटर्स। देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो दो फेज तीन फेज आ रहे हैं आर वाई बी, वो अगर हमारे शॉर्ट हो गए हैं तो उनको कौन बचाएगा, वो बचाएंगे फ्यूजेस। ओके, ये फ्यूज़ जो हैं वो उस टाइम पे ब्लो हो जाएंगे क्योंकि ये एक रेटिंग तक के लिए बने होते हैं। उसके बाद अगर कोई भी इंस्टेंट अगर हमारा करंट इंक्रीज़ होता है तो वो हमारा फ्यूज़ जो है ब्लो करके, मतलब कि खुद जल जाएगा और हमारे सर्किट को बचा देगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ईच प्रोटेक्शन डिवाइस प्रोवाइडेड इन मोटर फीडर। देखिए ये एक मोटर फीडर है जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगे होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एमसीबी से। सबसे पहले लगा है हमारा एमसीबी, उसके बाद हमारा है यहाँ पर एफएमआर जो होता है फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले। ओके, उसके बाद है हमारी ओवरलोड रिले, उसके बाद हमारा एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, उसके बाद हमारे फ्यूज़ लगे हैं और वो लगे हैं कहाँ पर, एसएफयू पे। तो ये सारी डिवाइसेस हमारी होती हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। एक बार फिर देख लेते हैं, एसएफयू यूनिट, फ्यूजेस लगे होते हैं, एफएमआर होता है फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले, ओवरलोड रिले लगी होती है, एमसीबी लगी होती है, तो एक लगी होती है हमारी एमरजेंसी स्विच, वो भी हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस है क्योंकि हमारी मोटर को वो भी प्रोटेक्ट करती है। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए ये है एक एसएफयू जिसको हम बोलते हैं स्विच फ्यूज़ यूनिट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये दो यूनिट से बन करके बना होता है, एक होता है हमारा स्विच यूनिट और एक होता है फ्यूज़ यूनिट। यहाँ पर एक स्विच दिखाया गया है और एक यहाँ पर फ्यूज़ यूनिट दिखाया गया है। फ्यूज़ यूनिट में तो फ्यूजेस माउंट होते हैं, लेकिन जो ये स्विच होता है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे एक मोटर या केबल को शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड की कंडीशन में, क्योंकि हर एक फ्यूज़ यूनिट का एक रेटिंग होता है और ये रेटिंग हमारे स्टार्टिंग से ही 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 125 एम्पियर, इस टाइप से हमारे एसएफयू यूनिट्स होते हैं। और नेक्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारी फ्यूजेस जो कि हमारे एसएफयू पे माउंट होते हैं और ये भी कुछ रेटिंग में ही आते हैं। हमें पता है कि हमारा जो एसएफयू है और हमारे जो फ्यूजेस हैं वो दोनों की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। चाहे वो 32 एम्पियर के फ्यूज़ हों, 63 एम्पियर के फ्यूज़ हों, 50 एम्पियर के फ्यूज़ हों, ये सारी रेटिंग्स में हमारे फ्यूज़ आते हैं। और इनका मेन काम होता है कि जो हमारा सर्किट है अगर एक लिमिट के ज़्यादा हमारा करंट वैल्यू जा रही है तो जो इसके अंदर एक मेटेलिक वायर होती है वो बर्न हो जाती है और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देती है। यहाँ से हमारा वोल्टेज सप्लाई आ रहा होता है और यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे एसएफयू हैं और फ्यूजेस हैं दोनों ही सेम फॉल्ट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं, जो हमारा होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की कंडीशन। तो इन दोनों में ही हमारा करंट बढ़ता है और करंट की वजह से हमारा फ्यूज़ या फिर एसएफयू यूनिट दोनों ऑफ हो जाते हैं। और फ्यूज़ में एक यहाँ पर ऐसा मटेरियल भरा होता है जिसकी वजह से कोई आर्किंग वगैरह हो तो वो आर्क को एक्सटिंग्विश कर ले और फायर की कंडीशन ना आए। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एफएमआर। एफएमआर देखिए जो हमारा एफएमआर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले। फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले का काम होता है हमारे फ्यूजेस को मॉनिटर करना। अगर हमारा कोई भी एक फ्यूज़
बर्न हो गया है या फिर हमारा ब्लो हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारी ये जो रिले है वो कर जाएगी ट्रिप, जिससे कि हमारा सर्किट हो जाएगा ब्रेक और हमें ये पता चल जाएगी कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आई है हमारे फ्यूजेस में। यहाँ पर NONC कॉन्टैक्ट्स होते हैं और यहाँ पर हमारा RYB जो हमारा पावर होता है उसका इनपुट और आउटपुट होता है। इसी के पैरेलल में ही जो हमारा SFU होता है वो लगता है। तो फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले हमारा कुछ इस टाइप से इंस्टॉल होता है कि जो हमारे फ्यूजेस लगे होते हैं RYB तीनों फेज़ में, उसके पैरेलल में यहाँ से RYB निकल रहा होता है और इसके पैरेलल में लगा होता है, ताकि कोई भी अगर फ्यूज़ ब्लो होगा तो ये वाला पहले फ्यूज़ मॉनिटरिंग रिले ट्रिप करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आई है। नेक्स्ट है ओवरलोड रिले। अब देखिए देखिए ओवरलोड रिले के बारे में सबको पता होगा और ये तब काम करती है जब कहीं हमारा जो करंट है वो जो हमने इसके इसमें अंदर सेटिंग कर रखी है उससे ज़्यादा आगे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 एम्पियर यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, तो इसमें जो हमारा 10 एम्पियर अगर करंट चला गया RYB में, कोई 12 एम्पियर चला गया, 11 एम्पियर चला गया, 15 एम्पियर चला गया, तो उस कंडीशन में हमारा धीरे धीरे जो अंदर मेटेलिक वायर होती है वो एकदम से धीरे धीरे जो है वो गर्म होना स्टार्ट होगी और हमारे कॉन्टेक्ट्स को चेंज करेगी। जब वो कॉन्टेक्ट्स को चेंज करेगी तो ये जो स्टॉप का बटन है यहाँ पर, ये नॉब जो है बाहर आ जाती है। एक होता है हमारा ट्रिप का बटन और एक होता है हमारा रीसेट का बटन। यहाँ पे देखिए रीसेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी नॉब बाहर आएगी और हम इसको रीसेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में एक बार हमें मोटर का जो है ओवरलोड रीसेट कर सकते हैं, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्लियर हो जाएगी, छोटी सी कोई एबनॉर्मलिटी है तो क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर कोई मेजर है तो मोटर दोबारा से ओवरलोड होगी और हमें सर्किट को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है वो है MCB। देखिए बहुत जगह पर हमारी MCB लगी होती है, MCCB लगी होती है और हमारी लगी होती है MPCB। तो हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी हमारे, ये तो है देखिए कंट्रोल सप्लाई के लिए फीडर में होती है, अगर कहीं भी हमारे कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम आई है तो ये MCB ट्रिप करेगी। कई जगह थ्री फेस पावर के लिए भी हम यूज़ करते हैं MCB SFU यूनिट की जगह पर, तो सबका सेम ही कंडीशन है। कहीं करंट अगर हमारा एक लिमिट के बाहर जाता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट में ओवरलोड कंडीशन में, या फिर कभी कभी अर्थ फॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में हमारी MCCB और MPCB भी ट्रिप करती है। तो वहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि किस टाइप का फॉल्ट है, तो ये एक तरीके से हमारे फीडर को प्रोटेक्ट करती हैं बहुत सारे फॉल्ट्स के अगेंस्ट में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इमरजेंसी स्विच। देखिए जितने भी अभी हमने डिवाइसेस डिस्कस किए हैं ये सारे काम करते हैं ऑटो में, लेकिन एक इमरजेंसी स्विच ही ऐसा स्विच है जो हम मैनुअल में ऑपरेट करते हैं। अगर हमारे सामने कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे यहाँ पर इमरजेंसी स्विच दबा देते हैं। वो एबनॉर्मल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट में अगर एबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो हम इसको दबा करके अपनी इक्विपमेंट को बचा सकते हैं, कोई ह्यूमन अगर अनसेफ हो रहा है तो हम इमरजेंसी स्विच को दबा के सेव कर सकते हैं ह्यूमन और इक्विपमेंट को। कुल मिला के ये प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो हमारे फीडर में लगती है, और इसमें क्या होता है NC कॉन्टैक्ट होता है पीछे, जिसके थ्रू हमारा कंट्रोल वायर जा रहा होता है। तो जैसे ही हमारा इमरजेंसी स्विच दबाते हैं तो यहाँ पे NC का हो जाता है NO और हमारा सर्किट आगे ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेक होने की वजह से हमारा इक्विपमेंट सेव हो जाता है और वहीं पे ही हमारी मोटर या कुछ भी डिवाइस चला रहे हैं वो हो जाती है बंद। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।